नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इसी वर्ष में बीडीओ का री एग्ज़ाम होना तय लगभग माना गया है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि 2018 में रीजनिंग का पेपर आया था, एकदम हवा बना था, ठीक ना, हाई रीजनिंग हाई, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए द मास्टर प्रकाश क्लासेस चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आ रहा है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। तो आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चंस है। इसके पहले वाले वीडियो में मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करवाए थे, आज फिर इसी से करवा रहे हैं, अगले में कुछ और, फिर इसी के तरीके से मिक्सअप। आप लोग कमेंट में अपना ठीक ना राय देते रहिए, क्या चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ आपको कठिन लगती है। अभी आप जैसे कहने का मतलब पजल के कुछ क्वेश्चन, क्या कहते हैं, रैंकिंग हो गया आपका, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न अभी करवाने बाकी हैं, तो आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए, उन सारी चीज़ों को कवर करवा देंगे। आइए इस पर आप बताइएगा कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कल हम लोगों ने अगले वीडियो में हमने आपको समझाया था जब सिंगल पिक्चर्स दिया था। तो इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, मतलब इन चारों नंबर्स का यूज करके आपको क्या बताना है, ये बीच वाला नंबर बताना है। वही काम यहाँ पे जो लॉजिक आपका यहाँ पे सेट होगा, बातें समझ रहे हैं, जो लॉजिक आपका यहाँ पे सेट होगा वही लॉजिक यहाँ पे सेट करके आपको आंसर देना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इसमें लॉजिक ठीक ना भैया लगा हुआ है, बातें समझ रहे हैं। तो इसमें जो लॉजिक आपका लगा हुआ है, जैसे यहाँ से देखिएगा, इन दोनों का आपस में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, और इन दोनों का आपस में क्या करा दीजिए भैया, गुणा करा दीजिए, बातें समझ रहे हैं। तो इन दोनों का गुणा कराने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप यहाँ से देखें, 12 का गुणा अगर आप किस में करा देंगे, 11 में, 12 का गुणा अगर आप 11 में करा देंगे तो 11 एकम 11 दूना 22, 11 एकम 11 एक 13, 100 कितना आ गया, 32, कितना आ गया भैया, 132। फिर देखिएगा इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, मतलब 6 × 9 कर देंगे तो 11 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54, कितना आ जाएगा, हाँ सही है 54। और जिसको इसको आप जैसे ही आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा 78। वही लॉजिक यहाँ पे भी आपको लगाना है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिएगा जब 14 × क्या कर देंगे, 10 कर देंगे तो 140 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 7 × 8 कर देंगे कितना आ जाएगा भैया, बताएगा ये 64, यही तो होगा 65 आपका क्या हो जाएगा, 5 7 का मल्टीपल 8 के साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 56, बातें समझ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन्हीं को, आप जैसे माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा, बातें समझ रहे हैं। माइनस कर दीजिए, एक कैरी यहाँ से आ जाएगा, एक कैरी यहाँ से आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 7, तो 74 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए जबरदस्त मस्त ये क्वेश्चन भी आपका है, इसमें आप बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा भैया। तो धीरे धीरे आपके दिमाग से फोबिया ठीक ना खत्म होने वाला है, बताएगा इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पे देखिएगा 64 लिखा है, 36 लिखा है, और ये क्या है भैया, 49। इन तीनों का यूज करके आपको 29 लाना है। तो जो लॉजिक यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वही यहाँ पे आपको अप्रोच लगाना है। तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपके सामने क्या जो नंबर्स दिए गए हैं, अब एक चीज़ हम कह दें कि इसका आप रूट निकाल लीजिए, तो इसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। वैसे 36 का अगर आप रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा इन, अब रूट निकालने के बाद में इन्हीं सबको क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। तो देखिएगा 8 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, और 6 जोड़ेंगे कितना आ गया भैया, 21। तो मतलब कि नंबर्स का आप क्या निकालिए, रूट निकालिए, और उसी को आपस में क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। आइए फिर वही काम यहाँ पे भी करना है, जैसे देखो रूट आपका क्या है, 121 प्लस, सबको जोड़ देना रूट निकाल के, 81, और प्लस में क्या भैया, 100, ठीक ना। इसका कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, ये कितना होगा, 9 होगा, और ये 100 का कितना हो जाएगा, 10, ये कितना आ गया आपका भैया, 30, कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है, 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आप बताइएगा मस्त एकदम, ठीक ना भैया, चीजें समझ रहे हैं, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप बताइए। चलिए 2-4-10 सेकंड का आप लोग टाइम ले लीजिए और उसके बाद में आप बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा। चलिए लॉजिक सेट करते रहिए भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, और द मास्टर प्रकाश क्लासेस के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी
तैयारी को बेहतर कर सकें। यहाँ पे केवल अच्छे अच्छे प्रश्नों को, बाकी लुज्जो कुंजू ठीक ना बहुत लोग करवा रहे हैं, बहुत चैनल पड़े हैं ठीक ना छोटे मोटे क्वेश्चंस करने के लिए, यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चंस करेंगे आप लोग ठीक ना भैया। तो बताइएगा इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे यहाँ से देखिएगा इसमें आपका कौन सा लॉजिक लगा है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो देखिए अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये आपका क्या है मित्र, फोर है, कितना है भैया, ये फोर है और ये कितना आपका एट है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वेल्व ना, और बटे दो कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका, छः। देखो पहला वाला नंबर मिला ठीक, फिर यहाँ से समझो इसको इसको जोड़ दीजिए और दो से क्या कराइए, भाग। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, दस, दस को दो से भाग करा देंगे कितना आ जाएगा, पाँच। ये देखो मिला, कोई दिक्कत, फिर आगे आ जाओ। यहाँ से देखो इसको इसको पकड़ो और ये ठीक ना भैया, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, आठ, आठ को दो से भाग करा दोगे चार, लॉजिक समझ में आया। फिर एक को पकड़ो और ये छः को पकड़ो, पाँच को छः आ जाएगा, दो से भाग करा दोगे कितना आ जाएगा भैया, तीन, लॉजिक समझ में आया। आ जाइए वही पैटर्न इसमें भी क्या फॉलो हो रहा है, इस वाले नंबर्स को आप पकड़ो, एक और पाँच को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, छः, और छः को दो से भाग करा देंगे कितना आ जाएगा, तीन। ये देखो मिला, बोलो अगले नंबर को पकड़ो, ये आपका क्या है भैया, छः है और ये आपका क्या है, दो है, बातें समझ रहे, दोनों को जोड़ेंगे आठ, दो से भाग कराओगे तो चार। इस वाले नंबर को पकड़ो आप, यहाँ से देखो इसको ठीक ना इसके साथ ऐड कराओ तो दस आ जाएगा, दस को दो से भाग कराओगे कितना आ जाएगा, पाँच। फिर ये और ये आपका बचा है, इन दोनों को जोड़ो अब 12 हो जाएगा, 12 को अगर आप दो से भाग कराएं कितना हो जाएगा आपका, 6। आइए इसमें भी आप अपना लॉजिक लगाइए, 6, ये 7 है, 7 को अगर 3 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 5, कितना आ गया, 5, बातें समझ रहे हैं। फिर यहाँ से देखिएगा आप, ये आपका क्या है भैया, 4 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, 3 से भाग करा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका कितना है, सॉरी ये ऊपर चले गए, ये आपका कितना है भैया, आठ है, कितना है, आठ है, और ये आपका कितना है, चार है, आठ चार बारह, दो से भाग कराओ कितना आ जाएगा, छः। देखो इसको पकड़ो और इसको, आठ हो जाएगा और ये कितना होगा, चार, तो मतलब नंबर्स आपका कितना आया, फाइव थ्री सिक्स फोर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, फाइव थ्री सिक्स फोर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, कौन सा भैया, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है ठीक ना भैया, ये उसी से रिलेटेड मिलता जुलता है, आप लोग इसका लॉजिक सेट करके बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, बातें समझ रहे हैं, आपको लॉजिक सेट करके बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बातें समझ रहे हैं भैया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप एस डब्ल्यू समझ के ठीक ना भैया, उसी से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें कौन सा लॉजिक लगा, इसका कौन सा राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आप बताएगा कि कौन सा भैया सही आंसर आपका होगा ठीक ना, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका चलिए बताइए फटाफट कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम लोग इसके पहले वाले भी लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए ये सबसे बड़ा नंबर है, हमने आपको बताया कि सबसे बड़े नंबर्स को आप टारगेट करना है, तो इन तीनों का आपस में आप क्या कराइए, गुणा करा दीजिए, ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। देखो तीन गुना दो दुना चार और चार तीन क्या हो जाएगा आपका, बारह, बातें समझ रहे हैं कितना आ गया, बारह। अच्छा इन सबका अगर आपस में गुणा कराओ छः हो जाएगा और छः पंचे क्या होगा, तीस, कोई दिक्कत, ये आपको मिलेगा। फिर वही काम यहाँ पे करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर यहाँ पे आपको आंसर लाना है, तीन चौके बारह, बारह गुणे माइनस एक कितना हो जाएगा, माइनस बारह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, माइनस बारह, इस चीज़ को आप ध्यान देना, क्या आएगा, माइनस बारह। तो देखो बारह और माइनस बारह दोनों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, कौन सा भैया, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, फाइव क्वेश्चंस हो गए आपको, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और कैसा लग रहा है आप टाइप करिए भैया। क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्या आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप छाप सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसी के अगले लेक्चर्स में, वीडियो के री एग्जाम के अगले लेक्चर्स में ठीक ना भैया।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।